Welcome in Bollywood Wali Bhai. Stay tuned by subscribing the channel. इन दिनों रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की फिल्म पद्मावती की पूरी तैयारी चल रही है। इस फिल्म में दीपिका आपको रानी पद्मावती और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आएंगे। ये बात माननी पड़ेगी कि रणवीर और दीपिका संजय लीला भंसाली के फेवरेट एक्टर हैं। यही कारण है जो ये दोनों उनकी तीसरी फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन पद्मावती में काम करना रणवीर के लिए काफी कष्टदायक भी रहा, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें रजा मुराद से 24 थप्पड़ पड़े थे। जी हाँ, ये बात खुद रणवीर सिंह ने बताई है। बता दें कि पद्मावती में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अलावा एक्टर रजा मुराद की भी भंसाली के साथ फिल्मों की हैट्रिक पूरी होने वाली है। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म में एक सीन है जब रणवीर को रजा मुराद थप्पड़ मारते नजर आएंगे। सीन शूट हो रहा था लेकिन डायरेक्टर को शॉट जम नहीं रहा था। भंसाली इस सीन को बिल्कुल परफेक्ट चाहते थे। यही कारण था कि उस सीन के लिए बार बार टेक लिया गया। इसी के चलते रणवीर को 24 थप्पड़ खाने पड़े, तब कहीं जाकर ये सीन शूट हो पाया। बहरहाल ये तो था रणवीर का शूटिंग का एक्सपीरियंस। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म का बहुत तगड़ा बजट है। इस फिल्म के लिए उनका इतना करना तो बनता ही है, क्योंकि उन्हें इसके अच्छी खासी रकम दी जा रही है। तो चलिए इसी बात पर बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों पर नजर डाल लेते हैं। फिल्म 145 करोड़ के बजट पर बनी थी। हालांकि लोगों ने फिल्म को काफी पसंद किया था और फिल्म ने शाहरुख से क्लैश के बावजूद अपनी कमाई निकाल ली थी। फिल्म के घाटे छिपाने के लिए इसका बजट कम बताया जाता है, लेकिन ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म का बजट लगभग 90 करोड़ था, जो बढ़कर 120 करोड़ हो गया था। शिवाय का बजट था 105 करोड़ और यही वजह थी कि फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि कई बार बजट की वजह से ही ये फिल्म रुकी भी, लेकिन फिर भी फिल्म के बजट को रोका नहीं जा पाया। फिल्म रोबोट का सीक्वल 2.0 इस साल रिलीज होने वाली है। बता दें फिल्म 350 करोड़ के बजट पर तैयार हो रही है। फिल्म में रजनीकांत, अक्षय कुमार जैसे कलाकार हैं। वहीं ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली भी 200 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी, जबकि फिल्म की कमाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो 180 करोड़ के बजट पर बनी है। फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। आमिर खान की फिल्म धूम 3 को 175 करोड़ में तैयार किया गया था। फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में है। ऋतिक रोशन और कैटरीना की फिल्म बैंग बैंग का बजट है 160 करोड़। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का बजट था 150 करोड़। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म किक का बजट था 140 करोड़। इस फिल्म का बजट उस जमाने में 1.5 करोड़ रुपए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।